हाँ, सलाम अलैकुम। ठीक हो? दुआ कर दूँ आप सारे अच्छे से रहें, खुश रहें। ये फ़ोन है सैमसंग का A12, एंड्रॉयड वर्जन 11 है। सिक्योरिटी पैड लेटेस्ट है, दिखा दूंगा मैं एंड में, ठीक है? इसको हम गूगल अकाउंट बाईपास एक ही क्लिक से कर लेंगे, वो भी फ्री बिल्कुल। आप इसको SV फ्लैश टूल से भी कर सकते हैं, UMT से भी कर सकते हैं, अनलॉक टूल से भी कर सकते हो, ठीक है? अगर इस फ़ोन में MDM लॉक है आपके पास, वो भी हो जाएगा अनलॉक टूल से, ठीक है? फिलहाल इसमें FRP है, वो मैं एक ही क्लिक से आपको बाईपास करके दे रहा हूँ, ठीक है? थोड़ी बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं सारा कुछ इसमें बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं ना, वो बोले यार आप अपने हिसाब से वीडियोस बनाते हो, तो हमारे हिसाब से भी बनाया करो, सारा कुछ दिखाया करो। इसीलिए माफ़ी चाहता हूँ, पहली वीडियो थोड़ी लंबी है। अगर आप जानकार हो तो आप UMT से कर लो, MT की है ये फ़ोन, समझ गए? और अनलॉक टूल से भी हो जाएगा एक ही क्लिक से। पर टेस्ट पॉइंट याद रख लेना, इसका जब बैक ढक्कन आप खोलोगे ना, देखो हमने अगर इसको विदाउट ढक्कन खोले हुए दोनों वॉल्यूम दबा के USB इन करने, ये डाउनलोडिंग मोड पे आ जाएगा, इसलिए इसको बैक ढक्कन हमने टेस्ट पॉइंट भी दिखा दूंगा मैं आपको। तो वो हमने ग्राउंड के साथ स्टार्ट करना होता है, उसके बाद हम UMT से इसको, UMT में जो MT के टूल है ना, जैसे बाकी फ़ोनों में हम करते हैं ना FRP रीसेट, वैसे ही हो जाएगा। अनलॉक टूल से कर लो या इससे कर लो, मरीकल पे मैंने ट्राई नहीं किया, क्या पता उससे भी हो जाए, उससे भी हो जाएगा क्योंकि MT के है ना, उसमें उन्होंने न्यू जो MTK का चिप सेट है ना, वो दिया हुआ है, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ पे मुझे टाइम लग रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आप ही बोलते रहते हो, फास्ट मत किया करो, ठीक है? बस ये हो खोल लिया मैंने, इसको आराम से उतारा करें आप। यहाँ पे मैं आपको टेस्ट पॉइंट सामने शो करवा लूँगा, ठीक है? जो ये जिसे हम कनेक्ट करें, पहले बैटरी का जो कनेक्टर है, ये देखो ये वाला पॉइंट है, अच्छे से दिखा दूंगा, पिक भी सामने ले आऊँगा जब मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा। फिलहाल मैं PC पे टूल ओपन कर रहा हूँ आपका टाइम बचाने के लिए, ठीक है? UMT MT के टूल मैं कर रहा हूँ ओपन, उसके बाद मैं आपको पिक भी सामने शो करवा लूँगा, ये क्या नाम है इसका, टेस्ट पॉइंट का, ठीक है? उसके बाद कनेक्ट हमने करना है, पहले हमने UMT पे क्लिक करना है, वहाँ पे FRP पे, उसके बाद हमने फ़ोन कनेक्ट करना है, ठीक है? जब हम टेस्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं ग्राउंड के साथ, उसके बाद USB लगानी है, उससे पहले हमने क्या किया होता है, FRP पे क्लिक किया होता है, तो उसके बाद ये FRP बाईपास हो जाएगा। यहाँ पे ये सामने UMT MT के टूल है, ठीक? तो हमने कहाँ पे जाना है, यहाँ पे FRP पे हमने क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे हमने क्लिक करना है, ठीक? अब देखो यहाँ पे मैं शो करवाता हूँ टेस्ट पॉइंट कौन सा है, हमने कैसे चेक करना है, ठीक? ये देखो आपके सामने मैं शो करवा रहा हूँ, USB मैं खुद तो नहीं लगा सकता, किसी दूसरे से हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है? यहाँ पे मैं ये टेस्ट पॉइंट आपके सामने है, इसको ग्राउंड के साथ शार्ट करना और USB लगानी है। देखो टूल पे ध्यान रख लेना, ये जो UMT का, ये एक ही क्लिक से इसको बाईपास कर लेगा। ये देखो टेस्ट पॉइंट आपके सामने है, ठीक है? ये देखो शार्ट किया ना मैंने, USB डाल ली मैंने, ये देखो एक ही क्लिक से ये बिल्कुल FRP बाईपास, बिल्कुल ईजी तरीका है। मुझे मतलब टाइम क्यों लगा आपको बताने का, वीडियो बनाने के लिए टाइम लगता है, ठीक है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन खोलने और जुड़ने का टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा आपको, एक ही क्लिक से हमने काम ख़त्म कर दिया। बस ये हो गया, आपको वीडियो देखने की ज़रूरत तो है ही नहीं, अगर देखना चाहते हो तो देख लो, ठीक है? फर्स्ट क्लास हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट, शेयर, अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।